मेले में आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेले में आपने क्या क्या देखा? हमने डांस देखा था और बहुत सारे यहाँ पे खाना पीना वगैरह। तो आज के दिन गोगा जी महाराज का मेला क्यों लगता है? पता नहीं, आज के दिन गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था इसलिए लगता है। और मेले के बारे में क्या क्या जानते हो आप? ये मेला हर साल होता है और बहुत अच्छा लगता है, सब आते हैं और ऐसे ही डांस करते हैं, एक फैमिली फंक्शन हो जाता है। तो इन्होंने इतनी बात बताई, बहुत ही थैंक यू आपको। आज के मेले का हमें आपको पूरा दिखाया, पूरा मेला, और काफ़ी यहाँ पे भीड़ अभी भी नज़र आ रही है, भक्त जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी भी गोगा जी महाराज के मेले में काफ़ी भक्त जाते आते नज़र आ रहे हैं। तो जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे भक्त आते जाते नज़र आएंगे। और इस मेले में काफ़ी लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों यहाँ पे इस गोगा जी महाराज को पूजा करते हैं और यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो भक्तों से हम पूछेंगे आज के दिन गोगा जी महाराज का मेला क्यों लगता है। तो दोस्तों चलिए भक्तों से आगे जाके पूछते हैं और मेले का अवलोकन करवाते हैं। तो हम जैसे देखिए यहाँ पे मेला नज़र आ रहा है और शॉप से बहुत सारी शॉप नज़र आ रही है आपको। रोड पर आ गए। तो दोस्तों हम भक्तों से पूछेंगे कि आज के दिन गोगा जी महाराज का मेला क्यों लगता है और देखेंगे काफ़ी यहाँ पे जो भक्त नज़र आए उनसे हम बात करेंगे आज के दिन गोगा जी महाराज का मेला क्यों लगता है। तो ये देखिए भक्त दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा और भीड़ भी बढ़ रही है लगातार। तो ऐसे ही आपको आगे जाके पूरे मेले में और पूरे लोगों से बात करेंगे, मेले के बारे में पूछेंगे, पूरा नज़र कराएंगे से बात। तो दोस्तों गोगा जी महाराज के मेले में हम हैं और भाइयों से बात करेंगे कि आज के दिन भाई साहब गोगा जी महाराज का मेला क्यों लगता है? ये हमारे सदियों से चलती आ रही है, लेकिन आज हमेशा लगता है इधर ही। हमेशा नहीं, आज के दिन ये मेला क्यों लगता है गोगा जी महाराज? आज गोगा जी का जन्म हुआ था इसलिए। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि गोगा जी महाराज का आज के दिन भादवा की नवमी को गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था इसलिए आज के दिन गोगा जी महाराज का मेला लगता है। तो आप भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साकिर है। तो ये देखिए मोहम्मदन है, साकिर है इनका नाम, फिर भी गोगा जी महाराज की मतलब पूजा करते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों के ये सिख देवता होते हैं और दोनों यहाँ पे गोगा जी महाराज की पूजा करते हैं। तो भाई साहब ये बताइए कि अभी आप कितने साल मतलब सदियों से आपके ये गोगा जी महाराज की पूजा करते हो या अभी? नहीं, सदियों से करते हैं हम सब, सब साथ ही हैं, साथ ही। हाँ सब, हम फर्क नहीं करते हिंदू और मुस्लिम में सब। इनका कहना है कि भाई हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है इनका कहना है, और गोगा जी महाराज की ये सच्चे मन से आराधना करते हैं और पूजा करते हैं। ऐसे ही कई भक्तों से हम और बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आज के दिन गोगा जी महाराज का मेला क्यों लगता है और गोगा जी महाराज तो मतलब कौन से गोगा जी महाराज कौन से देवता है ये बता सकते हो आप? ये गोगा जी महाराज लोक देवता है, इनको मतलब पता नहीं है, लेकिन बाकी जिनको पता है वो बताते हैं। तो गोगा जी महाराज कौन से मतलब किस चीज़ के मेन देवता है? ये नाग के, ये नाग के देवता है, सर्पों और नागों के देवता माने जाते हैं गोगा जी महाराज। और अभी और दिखाएंगे और लोगों से बात करेंगे। धन्यवाद भाई साहब। मारो तो नाम भाई, आप बताइए आपको क्या नाम? शायद खोकर। इनका नाम है शायद खोकर। ये भी मतलब मेले में आए हैं बाबा गोगा जी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो ये भी मोमडनी है, तो मतलब सब पूजा करते हैं सच्चे मन से। और ये इसका भाई है समीर चौहान। समीर चौहान ये भी उनकी कास्ट में है, ये भी गोगा जी महाराज के मेले में आए हैं। तो हिंदू और मुस्लिम का ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, जो हिंदू मुस्लिम काफ़ी यहाँ पे सालों से इनकी परंपरा चली आ रही है और ये गोगा जी महाराज की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तो गोगा जी महाराज के मेले में काफ़ी भीड़ आपको दिखाई दे रही है और भक्त अभी भी आते जाते नज़र आ रहे हैं आपको। तो भक्तों से हम पूछेंगे, जो भक्त मेले में जाके आए हैं दर्शन करके आए हैं उनसे बात करेंगे, उनको कैसा लगा मेले में आके और क्या क्या देखा। तो अभी भक्तों से बात करते हैं, चलते हैं इधर आगे चलिए। ये देखिए काफ़ी भक्त यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग खिलौने खरीद रहे हैं, कुछ लोग खाने पीने की चीज़ें देख रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे हम, जाके देखेंगे, भक्तों से बात करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए बहुत भक्त दिख रहे हैं मेले में आया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या क्या देखा मेले में? सबको देख लिया हमने। अब ये शर्मा गए हैं इतना कह के चले गए हैं। तो और भी भक्तों से हम बात करेंगे और उनसे मेले के बारे में अवलोकन करेंगे। तो दोस्तों आगे चलिए और भी भक्तों से बात करेंगे, पूछेंगे कि तो दोस्तों ये देखिए मेले में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है और भक्त यहाँ पे
खाने पीने की चीज़ें ले रहे हैं, कुछ बच्चों के लिए खिलौने और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी यहाँ पे भक्त नज़र आ रहे हैं, जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे भक्तों की भीड़ नज़र आएगी। तो भक्तों से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे भाई मेले के बारे में क्या क्या है उनको जानकारी है, तो बात करेंगे। मेले में आए को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेले में आपने क्या क्या देखा? हमने डांस देखा था और बहुत सारे यहाँ पे खाना पीना वगैरह। तो आज के दिन गोगा जी महाराज का मेला क्यों लगता है? पता नहीं, आज के दिन गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था इसलिए लगता है। अच्छा। और मेले के बारे में क्या क्या जानते हो आप? ये मेला हर साल होता है और बहुत अच्छा लगता है, सब आते हैं और ऐसे डांस करते हैं, एक फैमिली फंक्शन हो जाता है। तो इन्होंने इतनी बात बताई, बहुत ही थैंक यू आपको इतना बताया, धन्यवाद। तो और भी भक्तों से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे भाई मेले में आके आपको उनको कैसा लगा और क्या क्या किया मेले में। तो भाई साहब लोगों से बात करेंगे, आगे चलिए। ये देखिए आपको भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ पे आते अंदर जो बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए गोलक होते हैं वो भी यहाँ पे मिट्टी के बनाए हुए हैं और मिट्टी के बनाए हुए गोलक की यहाँ पे दुकान है। आजकल मतलब ये काफ़ी पुराने समय में लोग ये इसमें पैसे इकट्ठे करते थे सिक्के, आजकल तो नोट आ गए तो काफ़ी यहाँ पे लोग नहीं करते हैं इतना, सब कुछ इतना ज़्यादा है। तो ये देखिए भक्त काफ़ी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, उनसे बात करेंगे आगे चल के और मेले में पूरा दिखा। तो गोगा जी महाराज के मेले में हम आए हैं और भक्तों से बात करेंगे उनको कैसा लगा मेले में आके। मेले में आए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग मेला है। ऐसे भी लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। मेले में आपने क्या क्या देखा? बहुत कुछ देखे क्या बताए आपको? गोगा जी महाराज के मेले में आए हैं और इनसे बात करेंगे, आज के दिन ये मेला क्यों लगता है? भाई साहब देखो ये है कि ऐसे ऐसे अपने यहाँ लोक देवता हुए हैं जिनसे हम सब सामाजिक प्रेरणा लेते हैं और उस प्रेरणा को घर घर तक जिंदा रखने के लिए मेला ये पूरे देश में भर रहा है साहब गोगा जी महाराज का। तो मेले में हर बार की तरह या इस बार में आपको बहुत अलग रौनक है साहब? इस बार को 2-3 साल से कोरोना के कारण मामला बंद था, इस बार रौनक है। अब 27 सितंबर की सुजला जिला रैली में आकर के और बड़ी रौनक अपने सबको करनी है, अपना सुजला जिला अपने उसकी रैली है 27 सितंबर को, हाथ जोड़ के निवेदन है उसमें सबसे आगे रहना है सब। इनका कहना है कि 27 सितंबर को सुजला की रैली है, सुजला जिला के बारे में, सुजला को जिला बनाने के लिए, और ये विनती कर रहे हैं कि भी काफ़ी लोग यहाँ पे आएँ और पूरी रैली का शोभा बढ़ाएं। तो दोस्तों और भी आगे मेले का अवलोकन कराते हैं, दिखाते हैं दोस्तों। गोगा जी महाराज का मेला आपको दिखाया और काफ़ी भीड़ भी थी, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे लोग और काफ़ी मज़ा आया था। तो ऐसे ही लगातार आपको ऐसे आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार लेकर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेले में आए आपको कैसा लग रहा है? अब भक्त आए हैं तो चुपचाप चले गए। तो दोस्तों आज लगातार आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।